hello and good morning everyone i welcome you all adverse news analysis today is 5 august 2023 and we are going to discuss important news and articles from the hindu newspaper so let's see what important news we got today to discuss सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो फॉर पीडीएफ ज्वाइन टेलीग्राम चैनल एडवर्स न्यूज एनालिसिस लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है मेक श्योर वीडियो को लास्ट तक देखें सो so दैट सारी इंपॉर्टेंट न्यूज आपकी यहाँ पर कवर हो तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज हमें क्या क्या डिस्कस करना है फर्स्ट आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट स्टेस राहुल मोदी सर रिमांड सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर क्या किया है राहुल गांधी जी को कन्वेक्शन प्रोवाइड किया था उसमें स्टे लगा दिया है, है ना अब केस क्या था राहुल गांधी जी के ऊपर यहाँ पे डेफेमेशन का केस लगता है क्या लगता है यहाँ पर डिफेमेशन का केस होता है डिफेमेशन क्या होता है आपका कि मान लीजिए किसी भी पर्सन ने किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी या कास्ट के ऊपर या फिर कोई भी चीज है यहाँ पर कास्ट रिलीजन या फिर किसी भी कम्युनिटी के ऊपर कुछ ऐसे स्पीच बोले कुछ ऐसे रिमार्क दिए जिसके कारण क्या होता है उस पर्टिकुलर कम्युनिटी या उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल को डिफेम करने की कोशिश की गई हो तो यहाँ पर इसी के चलते राहुल गांधी जी के ऊपर केस लगता है आपका जो डिफेमेशन होता है वो टू टाइप्स का होता है एक होता है सिविल डिफेमेशन दूसरा

यहाँ पर जो एम हैं और आपके एम हैं वो कैसे डिस्कवालीफाई होते हैं तो डिस्कालीफिकेशन के कुछ प्रोविजन यहाँ पर दिए गए हैं तो हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट नाइनटीन की बात करते हैं तो इसमें जो आपका सेक्शन एट सेक्शन एट सब क्लास थ्री है वो ये कहता है कि अगर किसी भी पर्सन को यहाँ पर दो साल का क्या होता है कन्वेक्शन होता है दो साल की सजा होती है तो इमीडिएटली क्या होता है उस पर्सन को आपको डिस्कालीफाई करना होगा एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इतना आपको क्लियर हुआ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट हमारा क्या कहता है कि अगर कोई भी आ, कोई भी पर्सन है कोई भी आपका मतलब कि पार्लियामेंट का मेंबर है वो दो साल के लिए क्या होता है उसको कन्विक्शन होता है दो साल की उसको सजा होती है ठीक है अगर दो साल से एक दिन भी कम होता है तो उसको डिस्कवालीफाई आप नहीं कर सकते बट अगर वो एग्जैक्टली टू ईयर है या फिर उससे ज्यादा है तो यहां पर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट नाइनटीन फिफ्टी वन सेक्शन एट सब क्लास थ्री ये कहता है कि उस पर्सन को उस मेम्बर को इमिडिएटली आपको क्या करना होगा डिस्कवालीफाई करना होगा ओके okay, ना uh, इसी के चलते आपका एक नया सेक्शन होता है अब नहीं है पहले था सेक्शन एट सब क्लास फोर इसमें यह था कि इसमें नाइन्टी डेज का क्या दिया गया था आपको टाइम दिया जाता था मेंबर्स को मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो भी में आपके उनको टाइम दिया जाता था कि वो सुप्रीम कोर्ट में इवन कोई भी जो कोर्ट है वहां पर अपील फाइल कर सकते हैं शायद उनके पर ये गलत कन्वेक्शन लगा हो है ना मतलब कि जो केस था वो गलत केस हो तो इसके चलते उन्हें क्या होता था वो अपील फाइल कर सकते थे 90 डेज के अंदर और जब वो अपील फाइल करते थे तो उन्हें इमीडिएटली क्या होता था डिस्कालीफाई आप नहीं कर सकते ठीक है ये फिर पूरा केस जो होता है इससे ये जो सेक्शन एट क्लॉज फोर है इसके चलते ये जो केस uh, है एक लिली थॉमस केस आता है आपका सुप्रीम कोर्ट में ये केस जाता है लिली थॉमस केस के नाम से ये फेमस है इस पर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि इस तरीके से तो किसी भी मेम uh, कोई भी मेम्बर यहाँ पर डिस्कालीफाई नहीं होगा तो सेक्शन एट क्लॉज जो फोर है आपका उसको नलीफाई कर दिया जाता है सुप्रीम कोर्ट

स्टे लगाया है कि लगाया है पहली चीज तो ये उन्होंने ये कहा कि है, राहुल गांधी है, है मतलब तो तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो क्या बोल रहे कैसा बोल रहे है आप किसी भी पर्सन के ऊपर या फिर किसी भी कम्युनिटी के ऊपर यहाँ पर कोई ऐसा रिमार्क नहीं दे सकते हैं कि वो उसको क्या करें डिफेम करें ओके ना दूसरी चीज इसमें ये कही जा रही है कि जो आपका सूरत हाई कोर्ट है उन्होंने उनके मजिस्ट्रेट के ऊपर क्वेश्चन किया है कि उन्होंने टू ईयर का कन्विक्शन ही क्यों दिया आज तक कभी भी इससे पहले टू इयर्स का कन्विक्शन यहाँ पर नहीं दिया गया था मतलब दो साल का जो ये सजा होती है यहाँ पर नहीं दिया गया था ओके तो इसके चलते अभी यहाँ पर उनके कन्विक्शन पर क्या लगा है स्टे लगा है अब क्वेश्चन ये आता है कि जब इन्हें क्वेश्चन uh, ये आता है कि जब किसी भी पर्सन को यहाँ पर मेंबर ऑफ एम को uh, को एमएलए को डिस्कालीफाई कर दिया जाता है तो क्या वो फिर से इलेक्शन uh, लड़ सकते हैं तो देखिए अभी तो स्टे लग गया उनके कन्वेक्शन में है ना उनके कन्वेक्शन में स्टे लग गया है तो शायद अभी क्या कर सकते हैं यहाँ पर फिर से उनकी जो मेंबरशिप है उसको रीगेन करने की कोशिश करेंगे और मे भी शायद हम क्या देख सकते हैं कि ये जो आपके आने वाले इलेक्शन में उसमें वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं ओके okay? तो आई होप आपको ये पूरा यहाँ पर क्लियर होगा मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ तो देखिए यहाँ पर ये आपके लिए छोटा सा आ जाता है ये एक फैक्ट की तरह आपके निकल कर आता है फैक्ट क्या है इसमें ये आप इस ये क्या है एक ट्राइबल कम्युनिटी के लोग हैं इसका नाम क्या है यहाँ पर कलबेलिया uh, लबेलिया तो अभी देखेंगे आर्टिस्ट फ्रॉम राजस्थान परफॉर्म कलबेलिया डांस ड्यूरिंग द नेशनल फोक एंड ट्राइबल आर्ट फेस्टिवल इन भोपाल ऑन फ्राइडे भोपाल में क्या होता है यहाँ पर नेशनल फोक एंड ट्राइबल आर्ट फेस्टिवल होता है जिसमें यहाँ पर राजस्थान की ट्राइब है आपको ये याद रखना है ये राजस्थानी ट्राइब है इसका नाम क्या है कलबेलिया अब ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है इसके आप फैक्ट्स देखेंगे तब आपको ज्यादा समझ में आएगा ये राजस्थान के ट्राइब्स हैं इनका काम क्या था पहले ये क्या करते थे जो स्नेक्स होते हैं स्नैक होते हैं ना तो उनका जो वेनम होता था उसकी ट्रेडिंग करते थे इनका ऑक्यूपेशन यही था कि सांप को पकड़ना उनका जो जहर होता है वेनम होता है उसको निकालना उसकी ट्रेडिंग करना ये उनका ऑक्यूपेशन था हिस्टोरिकली बट धीरे धीरे क्या होता है यह, इसमें चेंजेस आते हैं बट आप इसमें ये देखेंगे टू में इट वॉज इंक्लूडेड इन द यूनेस्को लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज यहां पर एक यूनेस्को की लिस्ट होती है जिसका नाम है इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज उसमें क्या किया था 2010 में इनको इंक्लूड किया गया था तो इसका आप देखिए अटायर देख सकते हैं किस तरीके से इनका एक फोक आर्ट होता है जिसे हम कहते हैं कलबेलिया फोक आर्ट के नाम से भी इसे जाना जाता है इसमें कुछ मेथिकल नॉलेज इनकी स्टोरी टेलिंग टेलिंग्स होती हैं इनका जो ट्रेडिशनल डांस परफॉर्मेंस होती है ना तो इसमें uh, इनके सॉन्ग्स होते हैं और जो जी इनके माथोलॉजिकल uh, जो नॉलेज होता है

सिक्योरिटी थ्रू इंटेंसिव मिलेट प्रमोशन यहाँ पर मिलेट्स को हमें प्रमोट करना है और हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी ये आपका इनिशिएटिव स्टार्ट होता है ये क्वेश्चन आपका 2016 का है ओके okay. इसके रेफरेंस में आपके पास कुछ स्टेटमेंट्स uh, हैं क्या क्या स्टेटमेंट्स है दिस इनिशियेटिव एम्स टू डेमोस्ट्रेट द इम्प्रूव प्रोडक्शन एंड पोस्ट हार्वेयर टेक्नोलॉजी इस इनिशियेटिव का हमारा मेन एम क्या था कि हम क्या करेंगे जो हमारा प्रोडक्शन है उसे इम्प्रूव करेंगे और पोस्ट हार्वेस्ट जो टेक्नोलॉजीज हैं उनसे भी क्या किया जाएगा इंप्रूव किया जाएगा एंड डेमोस्ट्रेट द वैल्यू एडिशन टेक्निक यहां पर हम कुछ न्यू टेक्निक्स को भी क्या करेंगे ऐड करेंगे एक इंटीग्रेटेड मैनर में होगा और ये हमारा क्या होगा एक क्लस्टर अप्रोच होगी कैसी अप्रोच होगी हमारी एक क्लस्टर अप्रोच होगी ये सब हम किसके थ्रू करेंगे ये जो हमारा इनिशियटिव फॉर न्यूट्रिशन सिक्योरिटी इंटेंसिव मिलेट प्रमोशन प्रोग्राम है इसके थ्रू ये किया जाएगा तो क्या ये स्टेटमेंट आपकी सही है क्या स्टेटमेंट गलत है आप लोगों को बताना था नाउ आपकी सेकेंड स्टेटमेंट क्या है पुअर स्मॉल मार्जिनल एंड ट्राइबल फार्मर्स हैव अ लार्जेस्ट स्टेक इन दिस स्कीम यहां पर यह कहा जा रहा है कि पुअर जो है स्मॉल और मार्जिनल ट्राइबल फार्मर्स है उनका इसमें बहुत ज्यादा स्टेक है किस में ये स्कीम में तो क्या ये स्टेटमेंट आपकी सही है या गलत ये आप लोगों को बताना है नाउ नेक्स्ट स्टेटमेंट इज सेइंग एन इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम इज टू इनकरेज फार्मर ऑफ द कमर्शियल क्रॉप टू शिफ्ट टू मिलट्स इसमें ये कह रहे हैं कि हम क्या करना चाहते हैं इस स्कीम का मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि फार्मर्स को हम इंकरेज करें कि जो हमारी कमर्शियल क्रॉप्स हैं उससे वो शिफ्ट होकर कहाँ चले मिल जो आपका मिलट कल्टिवेशन है इसके तरफ इसके लिए वो क्या करेंगे जो फ्री किट्स हैं क्रिटिकल इनपुट्स एंड न्यूट्रिशन के और जो माइक्रो इरिगेशन इक्विपमेंट्स इक्विपमेंट्स हैं उसको ऑफर किया जाएगा ओके तो उसमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है कौन सा स्टेटमेंट गलत ये आप लोगों को बताना है तो जिन लोगों ने कल इस क्वेश्चन का आंसर नहीं किया था वो लोग पहले वीडियो को पॉज करेंगे देन इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कॉमेंट सेक्शन में करना है ओके तो इसका राइट right ऑप्शन क्या होगा आप लोग यहाँ पर कॉमेंट सेक्शन में बताएंगे टाइट right ऑप्शन क्या होगा देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करते हैं इस इनिशिएटिव का मेन एम यही था कि हमें क्या करना है हमारा जो प्रोडक्शन है उसे इम्प्रूव करना है और जो हमारी पोस्ट हार्वेड टेक्नोलॉजीज हैं इसे भी हमें क्या करना है आ, आपको इम्प्रूव करना है और इसमें हम कुछ वैल्यू एडिशन टेक्निक्स को भी क्या करेंगे डेमोस्ट्रेट करेंगे तो इसमें जो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है वो सही हो जाता है ओके okay? तो आप यहां पर देखेंगे जो आपका ऑप्शन बी है वो ऑलरेडी क्या हो जाता है यहाँ पे एलिमिनेट हो जाता है क्योंकि इसमें ऑप्शन वन नहीं है नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें पुअर स्मॉल और मार्जिनल जो आपके ट्राइबल फार्मर्स हैं उनका लार्जेस्ट स्टेक होगा इस स्कीम में तो ये ऑप्शन भी ये स्टेटमेंट भी आपकी सही हो जाती है ना यहाँ से आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो भी क्या होता है एलिमिनेट होता है अब हमारे पास बचता है ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी अब हम नेक्स्ट बात करते हैं ये एक इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्या है एन इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम इज टू एंकरेज फार्मर्स हाँ यहाँ पर हम इंकरेज कर रहे हैं फार्मर को बट कमर्शियल क्रॉप से हम मिलेट क्रॉप की तरह जो कल्टीवेशन है उसकी तरफ शिफ्ट करने के लिए इंकरेज नहीं

बॉन्ड्स क्या ये हमारे एफडीआई में इंक्लूड है सेकंड है हमारा फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट विद सर्टेन कंडीशन यहाँ पर क्या है आप ध्यान से पढ़ेंगे फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट विद सर्टेन कंडीशंस तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं जो हमारे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट्स हैं उसमें कुछ कंडीशंस भी लगी होती हैं तो क्या ये हमारे एफडीआई में इंक्लूडेड है या नहीं नेक्स्ट है आपका ग्लोबल डिपॉजिटरी uh, Results, जो आपके यहाँ पे रिसिट्स होते हैं ग्लोबल जितने भी हमारे डिपोजिट होते हैं क्या उसको हम एफ में इंक्लूड कर सकते हैं या नहीं नेक्स्ट है हमारा नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल डिपोजिट नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल तो क्या ये हमारे एफडीआई में इंक्लूड होते हैं या नहीं तो इसमें से कौन सा आपका राइट right ऑप्शन होगा कौन सा नहीं है ये आप लोगों को कॉमेंट सेक्शन में बताना है वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा सो so देट इसका आंसर आपको वीडियो के लास्ट में मिल सके नाउ नेक्स्ट हम आर्टिकल नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का Recently linking with लिंकिंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर वॉज अंडर टेकिंग यहां पर आप सभी को पता है हम रिवर को इंटरलिंक कर रहे हैं है ना एक दूसरे से यहाँ पर लिंकिंग का काम आपका प्रोजेक्ट चल रहा है तो हमें ये बताना है कि अभी किस न, रिवर का यहाँ पर लिंकिंग का जो प्रोजेक्ट है वो चल रहा है तो कावेरी एंड तुंगभद्रा गोदावरी एंड कृष्णा महानदी एंड सोन नर्मदा एंड ताप्ती तो इसमें से कौन सा आपका राइट ऑप्शन है कौन सा नहीं ये आप लोगों को कॉमेंट सेक्शन में बताना है तो क्वेश्चन नंबर सेकंड एंड क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर आप लोगों को अभी कॉमेंट सेक्शन में करना है वीडियो को लास्ट तक देखिए

ओके okay. अब यहाँ पर क्या हो रहा है जो स्टाफ मेंबर है टोटल यहाँ पर 294 आ, पोस्ट है उसमें से सिर्फ 109 जीरो नाइन पोस्ट ही क्या हुई है फिल, फिल हुई है अभी भी बहुत सारी जो पोस्ट है वो क्या है वैकेट है ओके इसी के चलते हमें क्या देखने को मिल रहा है कि जो यहाँ पर एनिमल्स हैं उनको यहाँ पे ट्रांसलोकेट किया जा रहा है तो फाइल फोटो ऑफ राइनो काफ बीइंग ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम काजीरंगा नेशनल पार्क टू मानस नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व तो यहाँ पर आपका जो मानस नेशनल पार्क है उसके साथ साथ यहाँ पे टाइगर रिजर्व भी है तो अब क्या किया जा रहा है जो आ, यहाँ पर आपके जो आ, एनिमल्स हैं उनको ट्रांसलोकेट किया जा रहा है तो आपके लिए यहाँ पे फैक्ट क्या निकल कर आते हैं देखिए आप लोकेशन देखेंगे पहले ये है हमारा आसाम ओके आपको ये आसाम यहाँ पर दिख रहा होगा और यहाँ पर है हमारा मानस नेशनल पार्क ओके नाउ अब हम काजीरंगा नेशनल पार्क की भी बात कर लेते हैं तो आप ये मानस नेशनल पार्क है यहां से आप आगे बढ़ेंगे तो आपको क्या मिलता है यहाँ पे आसाम नेशनल पार्क मिलता है ओके okay? नाउ आप मानस नेशनल पार्क के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी हम देख लेते हैं यहाँ पर राइनो की जो पॉपुलेशन है वो है आप लोगों को राइनो स्पेशली uh, कहा मिलते हैं हमें मानस नेशनल पार्क में मिलते हैं तो टोटल तो यहाँ पे फोर्टी राइनोज हैं आपके ओके okay? यहाँ पर नेक्स्ट uh, हम बात करते हैं मेली जो हमारे वन हॉर्न राइनोज हैं वो कहाँ पाए जाते हैं मानस नेशनल पार्क में ही यहाँ पर पाए जाते हैं अगर हम इस मानस नेशनल पार्क की बात करते हैं तो ये आपका यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी क्या है आपका इंक्लूडेड है यहाँ पर जो आपके प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व है uh, एलिफेंट रिजर्व है आपका जो बायसपुर रिजर्व है वो भी कहाँ आता है मानस नेशनल पार्क के अंदर आता है ये कहाँ लोकेटेड है हमारा जो आसाम का uh, हिमालयन फुट हिल्स है है ना हिमालयन का जो फुट हिल्स है वहां पर लोकेटेड है और इट इज विद द रॉयल रॉयल मानस नेशनल पार्क इन भूटान भूटान का जो रॉयल जो आपका रॉयल मानस नेशनल पार्क है उसके क्या ही कंट्रीजेस में है ओके okay? यहाँ से क्या होती है आपकी मानस रिवर ओरिजिनेट होती है इसी के चलते इस नेशनल पार्क का नाम मानस नेशनल पार्क रखा गया है ओके okay, तो आई होप आपको यहाँ पर क्लियर होगा अब मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ तो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है यहाँ पर मतलब आपके लिए फिर से छोटी सी इन्फॉर्मेशन आ जाती है यहाँ पर चंद्रयान थ्री कवर्स टू थर्ड डिस्टेंस टू मून यहाँ पर आप सभी को पता है हमारा चंद्रयान थ्री मिशन चल रहा है इंडिया का ये क्या है थर्ड मून मिशन है जो कि फोर्टीन जुलाई को यहाँ पर लॉन्च हुआ था तो इसमें यह बताया जा रहा है कि जो हम क्या करने जा रहे हैं टू थर्ड ऑफ द डिस्टेंस टू अर्थ ओनली नेचुरल सेटेलाइट द इसरोट देल्थ ऑफ द चंद्रयान थ्री स्पेस क्राफ्ट इज नॉर्मल एंड इट हैज एंटर द मून स्पेयर ऑफ इंफ्लुएंस अब ये जो अर्थ का ऑर्बिट है जैसे कि ये हमारा अर्थ है और ये है हमारा मून ठीक है तो अर्थ का जो ऑर्बिट है उसको कंप्लीट करके कि किस ऑर्बिट में पहुंच चुका है हमारे मून के ऑर्बिट में पहुंच चुका है ओके आगे उम्मीद करते हैं ये हमारा जो मिशन है वो सक्सेसफुल रहेगा मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ तो देखिए ये आर्टिकल आप लोगों को इतना ज्यादा यहाँ पे इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है इसमें ये कहा जा रहा है कि हम देखेंगे आज क्या है फिफ्थ ऑफ अगस्त कल यहाँ पर हो गया हमारे सिक्स अगस्त सिक्स अगस्त नाइनटीन को क्या होता है आप सभी को पता है में यूएसए क्या करता है न्यूक्लियर बॉम्ब यहाँ पर गिराता है ठीक है जिसके कारण आप क्या देखते हैं कि जो 600 हंड्रेड मीटर तक इसका जो एक्सप्लोर होता है और हमें सिर्फ क्या देखता है वहां पे स्केलेटिन स्केलेटेंस ही देखते हैं जो आपका हॉल का स्ट्रक्चर होता है वहां पे कुछ भी नहीं बचता है तो एक तरीके से ये हमारे सामने एक कॉन्सेप्ट आ रहा है किसका न्यूक्लियर डायट्रंस का तो सारी कंट्रीज का इस टाइम पे क्या होड़ मची हुई है एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि हमें क्या करना है न्यूक्लियर वेपन को एक्वायर करना है रखना है जिससे क्या कर सके हम न्यूक्लियर डायट्रेंस को स्टेब्लिश कर सके ओके okay? मतलब कि अगर हमारे पास क्या न्यूक्लियर वेपन्स हैं तो कोई दूसरा नेशन उसकी इतनी हिम्मत नहीं होगी कि वो हमारे पर अटैक कर सके हमारे ऊपर वॉर को लेकर आ सके ठीक है वॉर वॉर करे हमारे अगेंस्ट में तो इसलिए सिर्फ यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आ रहा है किसका न्यूक्लियर डेटर का तो क्या ये मतलब कि देखिए यहाँ पर न्यूक्लियर वॉर तो होने वाला नहीं अभी रशिया यूक्रेन का जो इन्वेजन हुआ है इसमें यही कहा जा रहा है कि क्या इसमें न्यूक्लियर वेपन्स का यूज होगा या नहीं तो देखिए इसमें इतना ज्यादा आपको इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं सिर्फ एक आप इसको जनरल रीडिंग मार सकते हैं नेक्स्ट हम मूव करते हैं ये आर्टिकल आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है इसमें क्या है अमेरिका ऑफ साउदी इजरायल री अमेरिका यहाँ पर क्या करवाना चाहता है साउदी और इजराइल का रीअप्रोचमेंट इनके बीच में आपको एक तरीके से क्या कह सकते हैं कि हम इनके बीच के जो रिलेशन है सऊदी और इसराइल के बीच के जो रिलेशन है अभी वो अच्छे नहीं है ऐसा कह सकते हैं आप तो उनको यहाँ पर क्या करना चाहता है यूनाइट करवाना चाहता है ठीक है पहले हम लोकेशन देखते हैं दोनों कंट्रीज की इसराइल की भी और सऊदी अरेबिया की तो इसराइल की आप लोकेशन देखेंगे तो ये आपको यहाँ पे जॉर्डन दिखेगा किस किस कंट्री के साथ यहाँ पे इसकी बाउंड्री है पहले हम वो देखते हैं यहाँ से आपका जॉर्डन आता है ओके ये इस साइड ये आपका इजिप्ट है ओके नाउ यहाँ से आपका ये सीरिया है और यहां से आपका लेबनन है और ये है आपका मेडिटेरियन सी ये मेडिटेरियन सी है ओके okay? इतना आपको क्लियर हो आपको लोकेशन यहाँ पे क्लियर हुई यहाँ पे गल्फ ऑफ अकाबा भी है तो गल्फा मकाव आपको ये याद रखना है कि इसराइल सऊदी अरेबिया के साथ यहाँ पर अपनी जो बॉर्डर है वो शेयर नहीं करता है अब सऊदी अरेबिया की आप लोकेशन देखेंगे तो सऊदी अरेबिया की लोकेशन आप इधर देख सकते हैं यहाँ पे आपका यमन आता है ओमान आता है यू आता है आपको ये याद रखना है सऊदी अरेबिया जो है यू के साथ यहाँ पे लोकेशन शेयर करता है फिर आपका यहाँ पे कुवैत आता है कतर आता है ओके यहाँ पे ईरान सॉरी इराक है और इसके बाद हम जॉर्डन आ जाता है यहाँ पर आपका फिर रेड सी आता है ठीक है ये रेड सी के साथ भी क्या है सऊदी अरेबिया के यहाँ पर बॉर्डर यहाँ पर टच होती है ओके लोकेशन आपको आई होप क्लियर होंगी दोनों कंट्रीज की अब पहले हम इसमें ना थोड़ा यहाँ पर देखते हैं हिस्ट्री हिस्ट्री की बात करते हैं इजराइल

जूईस क्या करते हैं कि वो एक साथ ऐसा कह सकते हैं कि वो एक साथ इकट्ठे होते हैं और बोलते हैं कि ये पहले हम यहां पर रहते थे अब हम यहां पर फिर से रहेंगे तो उन्होंने क्या किया पैलेस्टीन और इसराइल के बीच में यहाँ क्या चलता है एक वॉर चलती कंफ्लिक्ट होता है अटैक्स होते हैं तो देखिए पैलेस्टीन को कौन पैलेस्टीन में कौन है यहाँ पर मुस्लिम कम्युनिटी के लोग रहते हैं मुस्लिम पीपल है मेनली यहाँ पर मुस्लिम्स हैं और इसराइल में क्या आपके जूस हैं तो जब इसराइल और फलस्तीन यहाँ पे कन्फ्लिक्ट में आते हैं तो जो अरब के इसराइल के जो रिलेशन है तो जो भी आपके अरब नेशन है जैसे कि हम ईरान की बात करते हैं इराक की बात करते हैं सऊदी अरेबिया मेनली मुस्लिम का... कंट्रीज हैं तो इनके जो रिलेशन होते हैं इसराइल के साथ क्या हो जाते हैं खराब हो जाते हैं ओके इतना आपको क्लियर हुआ अब यहाँ पर जब रिलेशन खराब होते हैं वॉर होता है तो कौन आता है बीच में यूएसए आता है यूएसए एक तरीके से आप देखेंगे किसके साइड में होता है इसराइल के साइड में होता है पहले तो आप ऐसा कह सकते हैं मतलब ऐसे है, किसी के साइड में नहीं होता बट यूएसए आता है और वो कहता है कि हम क्या करेंगे इन दोनों कंट्रीज के बीच में आएंगे और यहां पर इनके बीच में जो मतभेद है उसको इनके बीच में सुलह करवाएंगे है ना इनके बीच में जो भी प्रॉब्लम्स है उसको हम क्या करेंगे इनके बीच में कराएंगे अब की अगर बात करते हैं तो इसराइल के साथ जो यूएसए के रिलेशन वो बहुत अच्छे हैं क्यों अच्छे हैं क्योंकि यहाँ पर जो आपका डिफेंस वाला जो पार्ट आ जाता है जिसके कारण यहाँ पर वेरियस डिफेंस ट्रीटीज और यहाँ पर जो सिस्टम है ट्रेड होता है डिफेंस का ट्रेड होता है इसराइल के साथ दूसरा हम सऊदी अरेबिया के साथ यूएसए के रिलेशन देखें तो जो ट्रेड वाला पार्ट है वो सऊदी अरेबिया और यूएसए के बहुत अच्छे यहाँ पर स्ट्रांग हो जाते हैं इवन यहाँ पर हम बात करते हैं किसकी ईरान की बात करते हैं तो ईरान और सऊदी अरेबिया जो है यहाँ पर दोनों कंफ्लिक्ट में रहते हैं है ना ईरान क्या है आपकी एक शिया डोमिनेटेड यहाँ पर कम्युनिटी है शिया डोमिनेटेड जो मुस्लिम्स होते हैं मुस्लिम्स के टू टाइप्स होते हैं मतलब मुस्लिम कम्युनिटी टू टाइप्स में यहाँ पर डिवाइड है एक सिया और दूसरी सुन्नी तो ईरान में शिया है दूसरी तरफ सऊदी अरेबिया की बात करते हैं तो वहाँ पर सुन्नी डोमिनेटेड है और यूएसए यहाँ पर ईरान के ऊपर सेंशन लगाता रहता है आप सभी को पता है ईरान के ऊपर सेंस लगाता है तो अमेरिका के जो रिलेशन है इसराइल के साथ भी और सऊदी अरेबिया के साथ दोनों के साथ यहाँ पर अच्छे हैं तो अब यहाँ पर यह कहा जा रहा है बट इसराइल और सऊदी अरेबिया की जब हम बात करते हैं तो इनकी रिलेशन यहाँ पर अच्छे नहीं है है ना सऊदी अरेबिया और इसराइल के यहाँ पर जो रिलेशन है वो अच्छे नहीं है तो अब अमेरिका यहाँ पर क्या करना चाहता है कि इनके बीच में यहाँ पर एक तरीके से रीअप्रोचमेंट करवाने की बात कर रहा है इससे पहले हम बात करते हैं जैसे कि अभी ईरान so, और सऊदी अरेबिया के बीच में यहाँ पर जो रिलेशन है उसको क्या करने के लिए उसको रिजम्पन करवाया किसने करवाया चाइना ने उसको ब्रोकर किया ठीक है इनके बीच में डील साइन हुई है अब चाइना का अब क्या होने लगा धीरे धीरे यहाँ पर इन्फ्लुएंस बढ़ने लगा क्योंकि तो आप देखेंगे क्या होने लगा यहां पर पहले रशिया और यूक्रेन वार होता है रशिया और यूक्रेन वॉर यहाँ पर स्टार्ट होता है तो यूएस का ज्यादातर जो एक तरीके से आप कह सकते हैं रोल है वो कहां पर होने लगा इसकी तरफ झुकाव ज्यादा होने लगा और जो सऊदी अरेबिया आप देखेंगे मतलब जो आपका ये मिडिल ईस्ट है मिडिल ईस्ट है सेंट्रल एशियन कंट्रीज है और अफगानिस्तान से भी क्या किया यूएसए ने अपने आप को वहां से पुल आउट किया ओके तो यहां पर आप देखेंगे जो चाइना का इन्फ्लुएंस है वो ज्यादा बढ़ने लगा अब इसके चलते यहां पर फिर से अमेरिका आ जाता है वो कहता है कि चाइना को तो हम आगे

ज हैड द फर्स्ट फास्ट थ्री ईयर्स ऑफ मेंबर्स ऑफ़ अब्राहम अकॉर्ड मोर ओवर डिप्लोमैटिक टाइज विद इजराइल वुड बैलेंस द किंगडम्स किंगडम्स रिसेंट कॉन्सोल्यूशन विद ईरान एंड सीरिया एंड हेल्प इट इमर्ज एस अ मोर नेशनलिस्ट पावर देन एन इस्लामिक वन तो यहाँ पर देखिए इससे पहले क्या हो चुका है इसराइल uh, और यूए के बीच में एक अब्राहम अकॉर्ड साइन हुआ था किसने करवाया था ये आपका यूएसए ने यहाँ पर करवाया था अब यहाँ पर ये यह कहा जा रहा है कि uh, के साथ और जो USA के साथ सॉरी और सऊदी अरेबिया के क्या करवाए जाएंगे फिर से यहाँ पर uh, उनका जो रिलेशन उसको परस्यूट किया जाएगा किसके द्वारा अमेरिका के द्वारा अगर यहाँ पर ये यह, रियप्रोचमेंट uh, हो जाती तो एक तरीके से क्या होगा अब ना चाहते हुए भी मतलब uh,

क्लोज अलायंस है इसका यहाँ पर होगा यूएस क्या कर सकता है चाइना की जो प्रेजेंस है यहां पर ग्रो हो रही है इस रीजन में उसको चैलेंज कर सकता है यहां पर जो हमने अब्राहम रिकॉर्ड मतलब यूएसए ने साइन करवाया था यूए के बीच में तो यूए अपने आप को क्या मानने लगा था यहाँ पर आ, आप ऐसा कह सकते हैं एरोगेंट हो गया तो उसको भी क्या कर सकता है निगेट कर सकता है इंडिया के लिए यहां पर क्या हो सकता है इंडिया के लिए यहाँ पर बेनिफिट की अगर हम बात करते हैं इसका वाइडर इम्पेक्ट अगर आप देखते हैं तो चाइना का जो इन्फ्लुएंस है यहाँ पे ग्रो हो रहा है और अगर चाइना का इन्फ्लुएंस इस रीजन में ग्रो होता है तो आप चाहते ना चाहते हुए आप देखेंगे कि यहाँ पर एंटी इंडिया के सेंटिमेंट्स क्रिएट होते हैं ओके okay? um, हम सभी को पता है कि इन कंट्रीज uh, के साथ इंडिया के रिलेशन कैसे हैं बहुत ही अच्छे रिलेशन है हमारा जो ऑयल सिक्योरिटी वाला कंसर्न पहले आ जाता है तो अगर चाइना का इन्फ्लुएंस यहाँ पे बहुत ज्यादा होता है तो इंडिया के लिए यह अच्छा नहीं होता है तो आई होप हम यहाँ पर उम्मीद करते हैं कि अमेरिका यहाँ पर सऊदी और इसराइल का जो रिअप्रोचमेंट है उसको परस्यूट करने में सक्सेसफुल होगा ओके नेक्स्ट हम मूव करते हैं हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है इंक्रीमेंटल इनजस्टिस अब यहां पर ये यह कहा जा रहा है कि जैसे कि आप सभी को पता है यहां पर ज्ञान व्यापी मस्जिद के बारे में आप सभी ने सुना होगा तो अलाहाबाद कोर्ट में पूरा केस जाता है और कुछ लोग इसमें ऐसा कहते हैं कि इस तरीके के जो केसेस होते हैं उसको नहीं लेना चाहिए देखिए ये सिर्फ आर्टिकल में कहा गया है ये कोई भी किसी का पर्सनल व्यू नहीं है हम सिर्फ यहाँ पर जो आर्टिकल है उसको डिस्कस कर रहे हैं तो आप इसे यहाँ पर पर्सनल में आ, मत लीजिएगा कि ये किसी के पर्सनल व्यूज है इसमें ये कहा जा रहा है कि जैसे कि हम बात करते हैं इन एफ द कंडक्ट ऑफ अ सर्वे बाय अकलो जिकल सर्वे ऑफ इंडिया एट द ज्ञान वापी मॉस्क द अलाहाबाद हाईकोर्ट में सुपरस्टिशियस अटैम्प टू अल्टर द कैरेक्टर ऑफ द्लेस ऑफ वर्षिप यहाँ पर देखिए कि मतलब कि के जो केसेस होते हैं मोटिवेट केसेज फॉर मोटिवेटेड केसेज फॉर अल्टरिंग स्टेटस मस्ट भी डिस्करेज तो इस तरीके के जो केसेस आते हैं जिसमें आपके वर्शिप वाले रिलीजियस वाले जो भी केसेस आते हैं तो इस तरीके केसेस के हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को नहीं लेने चाहिए एक तरीके से ये ऐसा कहा जा रहा है

साइट्स होती हैं कल्चरल साइट्स होती हैं हैं हेरिटेज साइट्स होती है, है ना उनको तोड़ा जाता है और उसके उसके बाद बाद क्या किया जाता जाता है 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 इसको बनाया जाता है. तो उसके बाद ये पूरा केस यहां पर चलता है. अब देखिए कहीं भी किसी भी किसी कंट्री में सिर्फ इंडिया की बात नहीं हो रही आप किसी भी कंट्री है हिस्ट्री उठाकर देखेंगे अगर कोई नया यहाँ पर रूलर इन्वेजन होता है रूलर का इन्वेजन होता है तो वो लोग पहले क्या करते हैं वहां की जो कल्चरल साइड होती है है ना और वहां का जो एजुकेशनल साइट होती है उसको वो क्या करते हैं ब्रेक डाउन करते हैं वहां पर तोड़फोड़ मचाते हैं ये इनका यहाँ एक फैक्ट है सिर्फ इंडिया की बात नहीं हो रही हर कंट्री में हम यहाँ पर देखते हैं ऐसी चीजें होती ही हैं तो इसमें ये ये भी कहा फिर से यहाँ पर ये होता होता है है कि इंडिया में क्या होता है? जब इस्लामिक इन्वेजन होता है तो उन्होंने क्या किया था जितने भी हमारे टेम्पल थे और जो भी बहुत सारी साइट थी उसको क्या किया था यहाँ पर तोड़ा था है ना और उसके प्लेस पर अब उनके जो कल्चरल हेरिटेज साइट मतलब साइट थी उसको यहाँ पर बनाया था ये पूरा केस जाता है अब ये जो हम काशी विश्वनाथ टेम्पल की बात कर रहे हैं और जो ज्ञान आपका मस्जिद है यहाँ पर ये कहा जाए ज्ञान मस्जिद में कि वहां पर हमें सर्वे किया मतलब कि हम वहां पर क्या कर सकते हैं जाकर पूजा तो कर ही सकते हैं क्योंकि यहाँ पर क्या है हम देखेंगे कुछ आपके जो काशी विश्वनाथ जो टेम्पल है है ना उसके कुछ यहाँ पर डिमोलिश जो कुछ चीजें हैं वो ज्ञान व्यापी मॉस्को में भी हैं तो हम यहाँ पर ये मतलब कि अपील करते हैं कि हमें क्या मिलना चाहिए वहां पर हम जाके उस चीज की पूजा कर सकें सिर्फ इतना कहा गया अब देखिए अगर इस तरीके से ही जब चीजें होती है जैसे कि इस्लामिक इन्विजन हुआ उन्होंने तोड़फोड़ मचाई और क्या किया तोड़फोड़ मचा के मान लीजिए कि ऐसा किया कि उन्होंने मस्जिद बनाए ठीक है मस्जिद बनाए अब जब चीजें रिस्टोर होती तो फिर ये डिमांड उठती है कि हमें क्या करना चाहिए फिर से उस चीज को तोड़कर हमारा जो पहले टेम्पल था जो भी सारी चीजें थी उसको बनाना चाहिए ये सारी चीजें होती हैं। बट देखिए हम ऐसी चीजें नहीं कर सकते। अब अगर हम पूरी हिस्ट्री उठाकर देखते जाएंगे तो शायद उस मंदिर की जगह कोई और चीज रही हो फिर उसकी जगह कुछ और रहा हो है ना तो इस तरीके से अगर हम करते रहेंगे तो हम तो आ, पूरे दुनिया में मतलब कि हर जगह या, या मंदिरों और मस्जिदों को ही तोड़ते रहेंगे तो इसलिए आपका एक एक्ट आता है जिसको हम कहते हैं प्लेसेस ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजन एक्ट 1991 ये कब आता है आपका 15 अगस्त 1947 को आता है सॉरी नाइनटीन में इसमें यह कहा जाता है कि फिफ्टीन अगस्त नाइनटीन को जिस भी वर्शिप प्लेस का जो स्टेटस है वो वैसा का वैसा ही रहेगा उसमें कोई भी चेंज नहीं किया जाएगा फॉर एग्जाम्पल ये पर्टिकुलर स्टेट पर मैंने बोला ये टेम्पल यहाँ पर है और फिफ्टीन अगस्त नाइनटीन को ये टेम्पल के नाम से ही यहाँ पर है तो इसके बाद जो इसका स्टेटस उसको चेंज नहीं किया जाएगा सेकेंड मान लीजिए ये जो प्लेसेज है यहाँ पर एक मस्जिद है तो उन्होंने ये कहा कि 15 अगस्त 1947 को अगर यहाँ पर एक मस्जिद है तो वो मस्जिद वहां पर ही रहेगा उसका कोई भी स्टेटस तो ये सारी चीजें आपकी होती हैं किसके थ्रू है उसका मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर वॉल्यूशन हो रहा है बट हाईकोर्ट ने क्या कहा मतलब की अलाहाबाद हाईकोर्ट ने ये कहा कि यहाँ पर देखिए इसका वॉल्यूशन नहीं हो रहा है वॉल्यूशन इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पर जो पिटिशनर्स है कि आप ऐसा कर सकते हैं जो हिंदू पिटिशनर्स हैं, उन्होंने सिर्फ यहाँ पर पूजा करने के लिए आ, मतलब डिमांड करी कि हम वहां जाकर पूजा कर सके और उन्होंने उसका जो ज्ञानवापी मॉस्क है उसको स्टेटस चेंज करने की बात नहीं की है आपको यहाँ पर ये आ, आ, समझना है कि उसका जो स्टेटस है उसको चेंज करने की बात नहीं की है सिर्फ वहां पर वर्शिप के लिए डिमांड करी कि हम यहां पर जाके एटलीस्ट वर्शिप कर सके पूजा कर सके इसलिए यहां पर इस को क्या किया गया एक्सेप्ट किया गया है ओके तो सिर्फ आपको यहाँ पर इतना ही समझना है इसमें ज्यादा आपको समझने की घुसने की ज्यादा जरूरत नहीं है ओके अब हम इस एक्ट के बारे में देख लेते हैं ये एक्ट आपसे यहाँ पर पूछा जा सकता है क्योंकि ये जो आर्टिकल है आपका दो बार आ चुका है ओके तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट नाइनटीन है ये क्या डिस्क्राइब करता है एन एक्ट प्रोहिबिट कन्वर्जन ऑफ एनी प्लेस ऑफ वर्शिप एंड टू प्रोवाइड फॉर द में रिलीजियस कैरेक्टर ऑफ एनी प्लेसिप एड इट एक्ट ऑन डे ऑफ ऑगस्ट नाइनटीन फोर्टी सेवन एंड फॉर द मैटर्स कनेक्टेड विद और इंसिडेंटल थ्रेड तो यहाँ पर फिफ्टीन ऑगस्ट नाइनटीन फोर्टी सेवन में जिस भी प्लेस वर्षिप्लेस का जो स्टेटस है उसको वैसा ही रहना रहने दिया जाएगा बस इसमें जो हुआ आपका अयोध्या वाला जो केस है ना यहाँ जो आपका बाबरी मस्जिद वाला जो केस है राम मंदिर और जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद उसको सिर्फ एक्ज एक्सें, मिला है बाकी सारे जो आपके प्लेसेस हैं वो क्या होंगे इसके अंदर इंक्लूड होते हैं ओके okay? मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ तो अब हमारा यहाँ पर नेक्स्ट आर्टिकल है थ्री किल सेवेंटीन मिसिंग एंड एस लैंड स्लिप हेड शॉप ऑन केदारनाथ रूड यहाँ पर केदारनाथ uh, में बहुत ज्यादा बारिश होती है, है uh, रेनफॉल होता है जिसके कारण हम क्या देखते हैं कि जो लैंड स्लिप होता है क्या होता है लैंडस्लिप होता है जिसके कारण यहाँ पे तीन लोगों की जान जा चुकी है और सत्रह लोग अभी भी क्या है यहाँ पे मिस हैं यहाँ पे दो तीन जो ये जो लैंडस्लेप uh, होता है वो कहाँ होता है शॉप होती है जो दुकानें होती हैं छोटी मोटी तो उनके ऊपर यहाँ पर हिट करता है ओके तो इससे हम क्या लगा सकते हैं अंदाजा इससे क्या निकलकर आपका आता है डिजास्टर मैनेजमेंट क्या था आपका डिजास्टर मैनेजमेंट अगर हम डिजास्टर को अच्छे से मैनेज नहीं करते हैं तो इस तरीके के, के केसेस हमारे सामने यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पे जो शॉप से जो शॉप का ओनर था वो कौन था एक तरीके नेपाली फैमिली नेपाली यहाँ पर शॉप ओनर था उनकी फैमिली थी यहाँ पर जो कुछ टूरिस्ट है वो भी यहाँ पर मिसिंग है अब फर्दर हम देखते हैं यहाँ पे क्या सामने निकल कर आता है ओके नेक्स्ट हम मूव करते हैं अब हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है रशियन वॉरशिप डैमेज एस यूक्रेन टारगेट ब्लैक सी पोर्ट विथ ड्रॉन्स अब आप सभी को यहाँ पर देखना होगा ब्लैक सी पहले तो हमारा यहाँ पे एक मैप का क्वेश्चन आ जाता है किसके बारे में ब्लैक सी के बारे में दूसरा यहाँ पर जो न्यूज है वो कह रही है कि रशियन वॉरशिप डैमेज एज यूक्रेन टारगेट सी पोर्ट विथ ड्रॉन्स यहाँ पर यूक्रेन ने टारगेट किया है किसके थ्रू Uh, आप देखेंगे जो ड्रोन का यहाँ पे ड्रोन के थ्रू यहाँ पे टारगेट किया गया किसको रशियन वॉरशिप को तो यहाँ पर जो रशियन वॉरशिप है वो क्या हो चुकी है डैमेज हो चुकी है तो आप देखेंगे द नोवर्स के पोर्ट नेवल बेस शिप बिल्डिंग यार्ड एंड एन ऑयल टर्मिनल एज अ की फॉर एक्सपोर्ट इट एक लाइज अबाउट वन हंड्रेड टेन किलोमीटर ईस्ट ऑफ प्रीमियम वेयर रशिया डिफेंस मिनिस्ट्री सेट इट थ्रट अनदर अटैक ओवरनाइट तो यहाँ पर क्या होता है ओवरनाइट में आपको ये अटैक देखने को मिलता है तो आप पहले इस लोकेशन को देखेंगे ये है हमारा ब्लैक सी ओके okay? इसके साथ कौन कौन सी कंट्रीज का बॉर्डर लगता है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है तो टर्की जॉर्जिया, रशिया यूक्रेन रोमानिया एंड बल्जेरिया तो इन कंट्रीज के यहां पर क्या लगती है आपकी बॉर्डर लगती है ये है आपका यहाँ पर क्रीमिया क्रीमिया को किसने एनेक्ट करके कि रखा हुआ है रशिया ने यहाँ पे एनेक्स किया हुआ है तो अभी ये किसका आप कह सकते हैं पार्ट है, पार है? यहां पर रशिया का पार्ट है तो ये जो रीजन है यहाँ पर जो डिफेंस मिलिट्री सिस्टम था किसका रशिया का तो यहाँ पर यूक्रेन ड्रोन से क्या किया गया है अटैक किया गया है जिसके कारण जो रशियन वॉरशिप है वो डैमेज हो चुका है ओके okay? अब देखिए अभी ये फिर से ये आगे बढ़ रहा है तो अभी हमें और ज्यादा यहाँ पे कंफ्लिक्ट नजर आते हुए दिखाई दे सकते हैं ओके तो देखिये न्यूज तो हमारी यहीं पर खत्म होती है अब हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ तो हमारा आज का क्वेश्चन था ओके क्वेश्चन इज द सो हमें पे ये करना था कि जो हमारी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होती है उसमें कौन कौन सी चीजें इंक्लूड होती हैं तो आप यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा पहले फॉरन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड इज अ बॉन्ड इशूड अंडर द बॉन्ड अंडर द इशू ऑफ फॉरन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड एंड ऑर्डिनरी शेयर्स स्कीम 1993 नाइन्टी एज द अमेंडमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम तो यहाँ पर क्या होता है जो आपका एफ होता है उसके अंदर ये फर्स्ट वाला जो है फॉरन करेंसी कन्वर्टेबल जो बॉन्ड्स हैं वो इंक्लूड होता है तो पहला आपका यहाँ पर सही हो जाता है ओके okay. नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट विद सर्टेन कंडीशन ये भी क्या होता है आपका एफडीआई में इंक्लूड होता है थर्ड इसमें है ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिट जो आपके होते हैं जो भी आपके ग्लोबल डिपॉजिट्स होते हैं वो उसके जो रिसिट्स होते हैं वो भी आपका एफडीआई में क्या होता है इंक्लूड होता है नेक्स्ट हम बात करते हैं नॉन रेसिडेंट्स नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल डिपोजिट्स यहाँ पर जो आपके नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल डिपोजिट्स है वो एफडीआई में इंक्लूड नहीं होता है तो इसमें आपका राइट right ऑप्शन क्या होता है वन टू एंड थ्री ओनली ओके okay? तो आपका ए जो ऑप्शन है वहां पर सही होता है सो आई होप आपको सारी चीजें पे क्लियर होंगी इसका जो राइट ऑप्शन है क्या है वन टू एंड थ्री ओनली क्वेश्चन नंबर थ्री का आंसर uh, आप लोग कॉमेंट सेक्शन में करेंगे इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कल दिया जाएगा सो दैट्स फॉर ऑल टूडे आई होप आपको सारी चीजें क्लियर होंगी अगर आपको किसी भी चीज से तो आप कॉमेंट सेक्शन में यहाँ पर बता सकते हैं ओके okay? वीडियो कैसा लगा कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा वीडियो को प्लीज लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें सो दैट्स फॉर ऑल टूडे थैंक यू थैंक Thank you so much for discussion.